दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से गूगल पे एप्लीकेशन से यूपीआई आईडी पे पैसे भेज सकते हैं। अगर आप लोग भी गूगल पे एप्लीकेशन से यूपीआई आईडी पे पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के हमारे इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा कि किस तरह से यूपीआई आईडी पे पैसे भेजते हैं। तो यूपीआई आईडी पे पैसे भेजने के लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको होम पेज में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पे यूपीआई आईडी एंड नंबर का। सिंपली सा आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यूपीआई आईडी डाल देना है जिस यूपीआई आईडी पर पैसा भेजना आप चाहते हैं। तो जी एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कोई यूपीआई आईडी डाल देता हूँ। डाल लेने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कंटिन्यू का। सिंपली से आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक देना है। इतना करने के बाद आप सभी के सामने इस तरह का देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पे का। सिंपली से आपको पे के ऊपर क्लिक करना है। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना अमाउंट डाल लेना है, कितना पैसा भेजना चाहते हो तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो मैं एग्जांपल के लिए 1 रुपया डाल लिया हूँ। 1 रुपया डालने के बाद आपको तीर वाला निशान पर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पे के ऊपर क्लिक कर देना है। और पे के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट देखने को मिल जाएगा। तो आपने अपना जो भी यू पी आई पिन बनाए होंगे वो वाला यू पी आई पिन आपको यहाँ पर डाल देना है। और यू पी आई पिन डालने के बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ ओके के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप जितना पैसा डाले होंगे वो पैसा उनके यूपीआई आईडी में चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग गूगल पे एप्लीकेशन से यूपीआई आईडी पे पैसे भेज सकते हैं। तो भेजना सीख लिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।